हाँ जी नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल परम ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, ताकि जो आने वाली वीडियोज का आपको जड़ से मालूम हो जाए। क्योंकि पुराने लोगों ने तो किया हुआ है, जो नए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए ये रिक्वेस्ट है। और बेल वाला आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि जो जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आपको जड़ से नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो इस चैनल के लिए बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो इस चैनल पे हम वो तरह तरह के वीडियो, लेटेस्ट जो न्यूज आता है गल्फ कंट्रीज के बारे में, दुबई के बारे में, बहरीन के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, क्या क्या उनमें जॉब आ रहा है, क्या क्या उनमें जो है नया रूल है, विजिट वीज़ा पे जॉब कैसे ढूँढें, या टोटल कितना खर्चा है, बहुत तरह तरह के वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आराम से। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फिर भी किसी और चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसका जो है उसी टाइम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, या तो उसका रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों दुबई बिजड़ वीज़ा के बारे में। दुबई में बिजड़ वीज़ा आप कैसे गेट कर सकते हैं, और बिजड़ वीज़ा पे आके आप कैसे जो है जॉब ढूंढ सकते हैं आराम से दोस्तों। आपको जो है कैसे जॉब मिलेगी वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में, और बिजड़ वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने दिन में आप गेट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, टोटली इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बिजड़ वीज़ा अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं दोस्तों। और बाकी अगर आपका कोई दुबई में है तो उनसे भी आप अप्लाई करवा सकते हैं, या आप अगर दुबई में भी हैं, दुबई में आप अपनी फैमिली के लिए वीज़ा निकाल रहे हैं, या किसी के लिए बिजड़ वीज़ा पे घुमाना चाहते हैं तो उनको भी आप आराम से घुमा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो कुछ न्यू रूल आए हैं, भले ही आप दुबई से अप्लाई करो या फिर इंडिया से अप्लाई करो, न्यू रूल ये हैं कि आपको एक तो कोविड टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए दोस्तों उधर से आने के लिए इंडिया से, और साथ में आपको इंश्योरेंस भी लेना होएगा, क्योंकि कोविड की वजह से अभी इन्होंने इंश्योरेंस का नया रूल डाल दिया है, तो इंश्योरेंस आपको करवाना होगा दोस्तों। उसका ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सस्ता है वो, आपको जो है इंडिया के 1300-1400 रुपये में इंश्योरेंस वो मिल जाएगा दोस्तों, और दुबई के जो है 60-70 दराम में दोस्तों, जहाँ कोई कोई जो है ट्रैवल एजेंसी वाले 100 दराम लेते हैं, तो उसका कोई चक्कर नहीं दोस्तों, जो आपको इंश्योरेंस का वो उसका फ़ायदा ही है, वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आपको इंश्योरेंस मिलेगा तो उसमें पूरा डिटेल लिखा होगा इसमें आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको जो है बिजड़ वीज़ा दोस्तों अगर 1 महीने का चाहिए, वैसे तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप 3 महीने का वीज़ा कम से कम लेके आएँ, 3 महीने का, अगर आप इधर जॉब सर्च करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, घूमना फिरना भी चाहते हैं, तो 3 महीना तो मेरे ख्याल से लाजमी चाहिए, क्योंकि 1 महीने में तो आप कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से घूम नहीं सकते हैं, और 1 महीना कितना होता है दोस्तों आपको पता ही है, और ये भी है कि लगातार घूम भी नहीं सकते, डेली आप थक जाओगे, 1-2 दिन के बाद घूमने जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि किधर भी आप जाओगे, दुबई मॉल में जाओगे, ग्लोबल विलेज जाओगे, बुर्ज खलीफा किधर भी जाओगे, तो आपको वॉकिंग बहुत करना पड़ेगा, अंदर बहुत बड़ा बड़ा मॉल है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है दुबई में ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है, तो आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप डेली घूमोगे तो आप थक जाओगे, तो आपके पैर भी इतना जो है साथ नहीं देंगे दोस्तों, तो इसलिए 1-2 दिन का गैप डाल के आप घूमने जाएंगे तो 1 महीना तो मेरे ख्याल से कम है। बाकी आप सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना सेटिंग है, मैं तो यही कहूँगा 3 महीने का वीज़ा ही आप लेकर आएँ, क्योंकि 1 महीने का वीज़ा पड़ता भी महंगा है दोस्तों, कॉस्ट की वजह से देखे जाए तो बहुत महंगा पड़ता है वो, और 3 महीने का जो वीज़ा है आराम से ईजिली आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको 1 महीने का कॉस्ट बताता हूँ अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं तो दोस्तों, 1 महीने का जो वीज़ा है आपको वो मिल जाएगा 400 दिरहम में, और कोई कोई जो है ट्रैवल एजेंसी 450 दिरहम भी ले लेती है, 450 दिरहम, कोई 400 में ही आपको वीज़ा वो दे देंगे, लेकिन आप अगर 3 महीने का वीज़ा लेके आ रहे हो तो 850 दिरहम में आपको मिल जाएगा, कोई कोई 820 में भी दे देगा, कोई 800 में भी दे देगा,
बाकी किसी को चाहिए इधर तो मेरे पास भी जो है कुछ एजेंसियों के नंबर हैं जो आपको कमती में वीज़ा दे देंगी। आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, आप उनके साथ चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सस्ता लगता है, तो आप उनसे आप ले सकते हैं। मैंने ये नहीं कहता उन्हीं से लो, किधर भी आपका दिल करता है, बस यह है कि किधर आपको चीप मिल रहा है तो उधर से आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बता दिया मैंने 3 महीने का वीज़ा का कॉस्ट। ठीक है, और इसमें जो मैंने कॉस्ट बताया इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूडिंग है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंक्लूडिंग है दोस्तों 800 में। ठीक है दोस्तों, 800 या 850 इंश्योरेंस इंक्लूडिंग आपका 3 मंथ का। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में क्या आता है, आपका जो भी पर्सन इंडिया से आएगा, जहाँ आप ही आ रहे हो, कोई रिलेटिव आ रहा है, फैमिली मेम्बर कोई भी आ रहा है, तो उसको क्या करने का, डम्मी टिकट भी साथ में चाहिए, मतलब जाने का टिकट वापस, आने का तो टिकट चाहिए चाहिए, लेकिन कभी कभी वो डम्मी टिकट भी चेक कर लेते हैं, तो आपको दोस्तों डम्मी टिकट लाजमी साथ में रखने का है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, और कोविड टेस्ट का रिपोर्ट, आपका कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आप 72 आवर भी चल सकते हैं, 72 आवर के बीच बीच में रहेगा। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि एक दिन पहले ही आप करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। वैसे 72 आवर का भी कोई ऐसे इशू नहीं है, बट एक दिन पहले ही आप करवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से दोस्तों एक एक दिन में रूल चेंज हो रहा है, एक एक दिन में, तो इसलिए हमने अभी ये लेटेस्ट वीडियो डाला है न्यू रूल के लिए, एक ही दिन पहले आप टेस्ट कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब आप उधर कोविड टेस्ट करवा के आएंगे तो बाद में एक कोविड टेस्ट आपका दुबई एयरपोर्ट पर भी होएगा लाजमी। आपका इंडिया का एयरपोर्ट तो चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, दुबई एयरपोर्ट पर भी आपका कोविड टेस्ट का एक बार सैंपल लिया जाता है, और उस सैंपल का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका आपने कोई पैसा नहीं पे करना है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में वो जो है उसका रिपोर्ट आपको दूसरे दिन मॉर्निंग में या दूसरे दिन दोपहर को ऐसे आ जाएगा दोस्तों, उसका कोई इशू नहीं आपको उधर नंबर देने का, फ़ोन नंबर अगर आपके पास दुबई का सिम है, अगर नहीं आपके किसी भी रिलेटिव का जो दुबई में है उसका नंबर दे दो, उसके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा आपकी कोविड रिपोर्ट का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर आपका नेगेटिव आया तो आपने क्वारंटाइन करना होगा, आपको सेल्फ क्वारंटाइन, और अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो जो है आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो कोई इशू नहीं दोस्तों, आराम से आप घूम फिर सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, और कोई भी आपको ये नहीं है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव और आप घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके फ़ोन में ऐप रहेगा जो एयरपोर्ट पे वो डालते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं भी डाला उन्होंने जल्दबाजी में जरा ज़्यादा है, तो आपका कहीं भी बाहर पुलिस वगैरह छुटता बोलते हैं अगर उसको, तो आपका मैसेज वो चेक कर सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव आया हुआ है तो आपको उधर जो है उधर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है नए रूल। अगर आप इंडिया से अप्लाई करो तो इंडिया को आपको 20,000 के आसपास 18 से 20,000 के बीच बीच आपको जो है वीज़ा मिलेगा 3 महीने का। ठीक है दोस्तों, अगर आप 1 महीने के वीज़ा के ले जाओगे तो आपको जो है 10,000 के आसपास वो मिलेगा, 10,000-11,000 ऐसे, उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन डम्मी टिकट का जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आराम से बिजट वीज़ा पे इधर आ जाएं, तो आराम से जॉब्स बहुत सारी खुल रही हैं आजकल, कोविड की वजह से जो बंद हो गई थी अभी फिर से सब कुछ ओपन हो गया दुबई में A to Z दोस्तों, और अभी जॉब सर्च करने वाले को नया फ़ायदा मिल गया है दोस्तों। क्या फ़ायदा मिल गया है, जिनके पास कोविड की वजह से लोग इंडिया चले गए थे, 6.5 लाख लोग इधर से इंडिया गया है, किधर से, दुबई से, तो अभी सिर्फ 4-4.5 लोग ही उधर से आया है दोस्तों, तो 2-2.5 लाख लोग अभी भी वैकेंसी खाली है, इधर बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है दोस्तों। मैं भी जॉब की वीडियो के डालता रहता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, और बाकी जो लोग इधर आए हुए हैं ऑलरेडी बिजट वीज़ा पे, वो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उनका पूरा हेल्प करूँगा, किधर किधर रिक्वायरमेंट है मैं उनको ज़रूर जो है मेल आई डी दूँगा अपने CV डालने का, जहाँ डायरेक्ट जाके उधर इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों। और बाकी जो लोग उधर से आना चाहते हैं इंडिया से, वो लाजमी इधर आएँ बिजट वीज़ा पे, आराम से जो है उनको जॉब ईजिली मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं किधर किधर कौन से एरिया में जॉब है और क्या क्या उनको तैयारी करनी होगी, कौन सा उनका फील्ड है, मेरे को पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी पूरी उनको हेल्प करूँगा।
चलो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि जो आने वाली वीडियो का आपको झट से मालूम हो जाए दोस्तों। बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, और क्या क्या इसमें मिस हुआ, जहाँ कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।